बंद होता ना तो मेरा बच्चा बच जाता। आज मेरे बच्चे के दूंगा घर घर किसी बच्चे के नहीं हो। मैं तो चला गया जब कचरा उठाने लगा। ये काफी समोसे खुले हुए हैं, ये मतलब ढक्कन लगे ही नहीं है। जब एक कल से आता कुछ करने लगे, नहीं तो कोई नहीं आया। मेरे देवर पूरा कूद गया था, मेरे देवर का पूरा यहाँ मुंडी चली गई थी। राखी ऐसी गई जो पूरी तरह से ले गई है, नाला ले गया हमारी राखी। बहुत ज्यादा चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूं। यहां से एक दर्दनाक मामला सामने आया। दरअसल एक 7 साल के मासूम बच्चे की ये जो नाले आप मेरे पीछे देख रही है खुले होते थे, अभी कल तक भी ये खुले हुए थे। इसमें डूबने की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। इलाके में जब मैं पहुंची हूं तो यहां की गंदगी का जो आलम है यहां पर देखने लायक भी नहीं है। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहां पर आज सफाई की गई है क्योंकि कल ये जो हादसा है वो सामने आया। इससे पहले यहाँ पर कोई सफाई नहीं थी। बरसात में पानी भर जाता है, इसके अलावा जो गंदगी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। हादसा कैसे हुआ, किसकी गलती यहाँ पर नज़र आ रही है, तमाम जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है? जानकी मेरा नाम है। आपके बच्चे का नाम और उम्र? मेरे लड़के का नाम है प्रिंस, 7 साल का था। क्या हुआ था उसका? उसके तक ये नहीं पता चला कब हादसा हुआ। हमें पता चला कि रोड पे देखे और नहर चलती है। हम लोग तो वहीं भागे भागे गए, कह रहे नहर में पानी गिरा है, शायद नहर में ना गिर गया हो। हम सारे जगह ढूँढ गए पागल हो, कितना हमें कहीं नहीं मिला। वो लड़का कहीं नहीं मिला, भूखा प्यासा गया वो लड़का। आज ये ना नाला आज जला है, आज मैं उसी बगैर नहर डल जाता ना तो मेरा बच्चा बच जाता। आज मेरे बच्चे के दूंगा घर घर किसी बच्चे के नहीं हो। मैं तो यही चाहती थी लेकिन आज ये ढक्कन बंद होता ना तो मेरा बच्चा बच जाता, कहीं नाले में नहीं गिरता। लेकिन उसे हम कैमरे वाले तो इधर बोले थे एक बार दिखा, लेकिन हमें नहीं दिखाया था, हमें नहीं दिखाया। घटना है क्या, वो क्या बोलते हैं, इतवार की बच्चे की दादी? हाँ बेटा, इतवार के दिन 8 बजे मुझे लड़की बहू ने जगाया, बोला मम्मी टैंकर आ गया तो आप पानी भर लो। मेरी आँख खुली, मैं उठी तो बोली मम्मी मैं अभी थोड़ा आ रही शौचालय से, मैं प्रिंस नहीं दिखाई दे रहा है, उसके एक बार देख गया हूँ। ये लड़की को मुझे देखे गई, मैं लड़की को रखी हूँ, ये देख के आई यहाँ से, वहाँ तक नहीं मिला। उसके बाद बोला मम्मी चलो कहीं और जगह देख के आ जाए। मैं गई इसके साथ, वही 11 बजे से ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, कहीं नहीं मुझे मिला। चौकी में गई, कंप्लेंट डाली मैंने, फोटो स्टेक करा के फोटो कॉपी कराई, पोस्टर लगवाए, आलम करवाए, आलम से बोला मैंने चौकी में जाके, फिर एक आलम यहाँ लगाए मस्जिद के पास, वहाँ बोला मैंने सब, मेरा पोता नहीं मिला कहीं भी, गया तो कहाँ गया। मैंने मतलब था कि कोई ले गया बाहर से वाला, को लगा कि किडनैप हो गया। हाँ यही लगा मुझे, अभी इतना मालूम नहीं था कि कोई ले तो नहीं गया, इसलिए मैंने कंप्लेंट जाके थाने में, वो थाना शालीमार, वहाँ जाके मैं गई, पूरा वजीरपुर छानमारी, केला गोदाम, जांगीपुरी, सगुरपुर, सारी जगह ढूंढ के। अच्छा कब मिला? फिर बच्चा ये मिला, एक मेरी बहन रहती थी तो उसने अंजार से बोला 9:30 बजे 7 बजे का खोया हुआ। हाँ जी, और 9:30 बजे मिला है। आप लोगों को पता ही नहीं चला कि बच्चा नाले में गिरा हुआ है? नहीं, हमें पता नहीं चला, हमने सारी जगह। पानी भर जाता है क्या यहाँ? हाँ जी, बारिश हो रही थी और वैसे भी पानी आता है तो उसमें वो पानी भरा हुआ था। उसमें बता रहे 5-5.5 फुट गहराई है तो उसमें घुस गया वो, मतलब खेलते हुए में। नाले खुले हुए थे, कब बंद होते नहीं है, खोल कर चले जाते हैं। नाले ऐसे ही खुले रहे, नए लाकर ये लगाए हैं, ढक्कन अभी लगाए, वैसे खुले हुए थे? वैसे खुले हुए थे। कितने समय से खुले हुए थे? ये काफी समोसे खुले हुए हैं, ये मतलब ढक्कन लगे ही नहीं है, जब से मतलब बनाए एक ही बार लगे ढक्कन। पानी भर जाता है क्या बारिश में? हाँ जी, पूरा भर जाता है। हाँ जी, हाँ और कुछ भी नहीं। किसी ने बताया था कि बच्चा यहाँ नाले में गिरा है, कैसे पता लगा? किसी ने ये बताया, जो एक बार ऐसे देख लो कहीं नाले वाले में तो नहीं गिर गया, पैर स्लिप हो गया, लेटरिन बाथरूम के लिए बैठता खेलता रहता है, कहीं उसमें तो नहीं चला गया, तो देख लो आप। तो हमने वहाँ से डंडा डाला है तो यहाँ लड़का निकला है फूलता हुआ, तो लड़का निकला है तो हमने निकाला है वो 18 घंटे 18-19
रात में कचरा उठाया गया है यहाँ से और पूरा यहाँ पे कूड़ा था पूरा यहाँ पे चला गया जब कचरा उठाने लगा। और कल ही पुलिस वालों ने यहाँ पे सारे जाम करवाया बंद कराया, वैसे कोई नहीं सुनवाई करी। हमने कई बार पैंट्री वालों से भी बोला, नेता के पास भी गए, वही नेता ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी साहब, कोई सुनवाई नहीं करी। आज मेरा पोता की हादसा हो गया, जब एक कल से आता कुछ करने लगे, नहीं तो कोई कोई नहीं आया। जब मैंने अपने बड़े लड़के को बुलाया, बहन के लड़के को, जब उसने और जगह कंप्लेंट डाली 100 नंबर वाले को, तब वो 100 नंबर वाली गाड़ी आई, तब मेरे बच्चे की सुनवाई हुई है, नहीं तो किसी ने वो नहीं। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि हमने ढूंढा बच्चा, बच्चा उन्होंने नहीं ढूंढा, बच्चा हमने ढूंढा, मेरी बहू ना मैं फिर एक बच्चा ले लगे सारा बजीपुर में। पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मेरे दोनों देवरों ने हाथ निकाला है। और पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हमने ढूंढा है, मैंने तुम लोगों ने ढूंढा, मेरे देवर दोनों ने उठाया, मेरे देवर पूरा कूद गया था, मेरे देवर का पूरा यहाँ तक मुंडी चली गई थी, जितने थे तो मेरे देवर ने उठाया, मेरे बेटे मेरे देवर के यहाँ पैरों में भी लग गई थी। इतना घट्टा घेरा है, इंसान भी घुस जाएगा, वो भी नहीं बचा है। तीन बच्चे जैसे बच्चा निकाला तब लोग चीख मार दिए, ये मेरा छोटा आपने निकाला था बच्चे? हाँ, ये मेरे बच्चे। जब मैंने सुना था पानी पी रहा था, मेरे सोने रोने लग गए सब लोग, तो मैं देख कर आया, मेरे सब देख रहे हैं, मैंने आते ही निकालने लग गया उसका हाथ पकड़ के उसका निकाला। इसका क्या समर्थन रहा है पूरे मामले में? वो तो देखो जिस जैसे भी था तो सब तो आए थे बोलने से, तो आ गए सारे, वैसे बैठे हुए थे, कंप्लेंट दे दी, कह रहे मिल से था। हाँ, शालीमार बाग में भी दिए, आदेश नगर में भी दिए, आदेश नगर में भी दी थी, अशोक विहार वाले थाने में भी, चौकी में दी थी, मतलब अशोक विहार की जो चौकी पड़ती है इधर पे वजीरपुर की चौकी पे। तो उसके बाद कुछ नहीं, पुलिस बैठी रही, कह रहे मिल जाएगा तो हमारे पास ले आना, और कोर्ट से छूटेगा, मिल जाएगा तो लड़का, तो उनने बोला ठीक है। तो मैंने बोला सर आपका भी इस चीज की दे रहा था कि आपका बच्चा क्यों नहीं तुमने ऐसा करा, मेरे आप सरकार हो तो मैं सरकार को नहीं आऊंगी, किसके पास आऊंगी, देखेगा तो बचाएगा ही, तो हमें पता नहीं था ये चीज, बस यही कह रहे बैठे मिल जाएगा तो बता देना। फिर और जैसे ही मिल गया तो पुलिस आ गई। पुलिस ने जिस हिसाब से काम किया आप संतुष्ट हैं? वो इसलिए है कि आए जब बच्चा निकल गया, मेरे लड़के ने बच्चा निकाला, उसके बाद पुलिस वालों की गाड़ी में बैठा गए, हॉस्पिटल ले गए झांगीपुरी, झांगीपुरी ले गए। कितने साल का बच्चा था? 7 साल का था बेटा, 7 साल का। आप लड़के का ऑपरेशन कर दिया, वो लड़के का फाड़ के जिसम सारा निकाल लिया। एक तो वो तो भूखा प्यासा था, और पुलिस वाले ने हमारी कोई सहायता नहीं करी, हमारे संग पुलिस वाले कोई नहीं लगा। कौन सा खाना पड़ता है आपका? ये वाला, ये अशोक वाला, ये वाला। पागलों के तना हम फिरते रहे, मैं भूखा प्यासा है, हम ढूंढ रहे, मैंने लगा यही होगा, यही हो। मेरी माँ भी कह रहा था नानी के यहाँ जाऊँगा, पूड़ी खाऊंगा, मुझे क्या पता था। पर तो कहा मम्मी चलना नहीं, भगवान ने भी मेरा पेड़ ना, मैंने राखी थे पहले एक दिन पहले चली जाती हूँ, आपकी बात नहीं जा पाई, पता नहीं क्यों राखी हमारी चली गई। राखी ऐसी गई जो पूरी तरह से ले गई, ये नाला ले गया हमारी राखी, ये नाला त्योहार था, कोई त्योहार नहीं मनाया, कल के दिन दाग लगा हुआ मेरे बेटा का, मैंने अपने पत्ते पोते का सकल मेरी देखी, परसों से ढूंढती रही, नाला ही ले पूरा दिन देखती रही, ऐसे में ना तो मौत मिली, जब मिली तो मौत मिली, मैं क्या करूँ, मेरा पोता तो चला गया, मेरा दिल से पूछो पला पुसा बच्चा मेरा चला गया। अभी जब से बरसात हुई क्या कोई करंट का मामला भी यहाँ पर देखने को मिला? नहीं, यहाँ तो करंट नहीं आया, बस यही नालों की जो है तो नालों की दिक्कत थी, ओपन थे ये, खुले हुए थे। आप बता रहे थे किसी को करंट लगा है? भलसवा डेयरी में गुज्जर चौक पे एक दूधिये को करंट लग गया, पानी में करंट आ रहा था, और वहाँ हमेशा जाम भी रहता है, वो दूधिये ने साइड से निकालना चाहा तो उसमें करंट था, वो गिर गया, बच गया, लेकिन बाकी बाइक वगैरह उसके दूध सब वहीं बिखरा पड़ा है। लग रहा है आपको जिस हिसाब से गंदगी इस इलाके में, कोई काम हुआ भी है कभी यहाँ पर? नहीं मैम, कुछ काम नहीं हुआ, पानी तक नहीं है, पानी तक भी नहीं है, टैंकर मंगाते हैं, इतनी पानी आता है, पानी का यहाँ कुछ भी नहीं है। निगम पार्षद कौन है यहाँ पर? योगेश वर्मा। कौन सी पार्टी से? बीजेपी। बीजेपी से कोई काम हुआ है इस इलाके में?
कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर आज तक। 10 बार बोला, 1000 बार बोला तो भी नहीं हुआ पानी के चक्कर। हमारे साथ हमको वोट देना, ये करना वो करना, हम उनको अपने परेशानी बताते हैं कि हमें ये तकलीफ है, हमें ये सुविधा दो, पर वो सब वादे करके जाते, पर सब मुकर जाते, जब जीत जाता है तो सब भूल जाते हैं झुग्गी वालों से वादे किए हुए। मैन का लड़का है, उसने टैंकर बुलाया है, तब से पानी आ रहा है, और हमने यहाँ सूरज भागवत के पास गए, 10 बजे हाथ जोड़े कि बेटा पानी लगवा दो, हमारे पानी की बहुत पड़े। एक दो बजे रात की फैक्ट्रियों में ढूंढे, फैक्ट्री वाले एक दिन दे देगा, दो दिन दे देता है, कोई सहायता नहीं, कहता हमारी मोटर खराब हो गई, कहता हमारी मोटर ये चीज़ खराब हो गई। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर हालिया तस्वीरें दिखाऊँ, ये आप देख सकते हैं, यही वो नाला बताया जा रहा है जिसमें वो मासूम 7 साल का बच्चा गिर जाता है। और हैरानी की बात यह है कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये नाला हमेशा यहाँ पर खुला हुआ ही रहता था, यानी कि जब ये हादसा हुआ एक बच्चे को इस नाले ने निगल लिया, उसके बाद यहाँ पर ये जो ढक्कन है लगाए गए ताकि आगे से कोई ऐसा हादसा ना हो। पुलिस की ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, जो पट्टियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं पुलिस के द्वारा, वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जैसे ही दिल्ली में बारिश की शुरुआत होती है वैसे ही ये जो खबरें लगातार तूल पकड़ती हैं, चाहे फिर वो करंट लगने से किसी की मौत हो, जल भराव की वजह से किसी की मौत हो, या फिर ये जो खुले नाले और सीवर हैं इनमें डूबने की वजह से जो लोग हैं वो मर जाते हैं यहाँ पर। लेकिन तब भी प्रशासन इस पर चुप नजर आता है, प्रशासन इस पर मूक दर्शक बना हुआ ये सारा तमाशा देखता हुआ नजर आता है। हर बार सरकार दावे करती है कि इस बार ये काम किया जाएगा, दिल्ली को लंदन बना दिया जाएगा, दिल्ली को सिंगापुर बना दिया जाएगा, लेकिन ये कैसा लंदन मॉडल है, कैसा सिंगापुर मॉडल है आप देखिए। इतनी ज़्यादा गंदगी के यहाँ पर खड़े होना भी दुश्वार नज़र आ रहा है। आप देखिए कैसे ये जो लोग हैं यहाँ पर वो रहते होंगे, नाले खुले हुए हैं यहाँ पर, बरसात में पानी भर जाता है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा गंदगी में ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आखिर जो संबंधित अधिकारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं, जब यहाँ पर नाले खुले हुए हैं, लोगों की जान को रिस्क में डाला जा रहा है, तो क्या ये सारी चीज़ें उन लोगों को दिखाई नहीं देती हैं? अब जब एक हादसा हो गया, जब एक मासूम बच्चे की जान चली गई, तो यहाँ पर ये काम तुरंत हो गया, तो क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? अब यहाँ पर सवाल तो यही है कि क्या जब लोगों की जानें चली जाएंगी तब सरकार जागेगी और तब जाकर कोई काम किया जाएगा? जब ये सीवरों को, जब ये नालों को अभी ढका जा सकता, तो आखिर किसी की मौत से पहले ये काम क्यों नहीं होता यहाँ पर? अब पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है ज़रूर बताइएगा। लगातार दिल्ली से जो मामले आ रहे हैं, लगातार हम कवरेज करके आपको दिखा रहे हैं कि कहीं पर पानी में करंट लगने की वजह से किसी की मौत हो जा रही है, कहीं पर पानी में डूबने की वजह से किसी की मौत हो जा रही है। तो अब इनको लेकर आपको क्या लगता है, सरकार की यहाँ पर कितनी गलती, और आखिर कब सरकार की आंखें खुलेंगी? आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी जो भी इस मामले को लेकर राय है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।